हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंपैरिजन करेंगे दो ऐसे फोन जो कि इनमें से एक मार्केट में ऑलरेडी है और एक नया आ गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मी A1 का और साथ में इसे कंपेयर करेंगे हम रेडमी नोट 5 प्रो के साथ। इन दोनों में से कौन सा फोन बेहतर है? दोनों फोन में आपको डुअल कैमरा मिलते हैं, हालांकि दोनों ही फोन में कुछ अलग अलग तरह के फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको स्टॉक एंड्रॉइड UI, जबकि यहाँ पे मिलता है आपको कस्टम UI। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन को और बताते हैं आपको कि किस तरह से ये दोनों फोन डिफरेंट है और कौन सा आपको लेना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे है Redmi Note 5 Pro इस तरफ और यहाँ पे मिलता है आपको Mi A1। दोनों ही फोन्स को हम कंपेयर करेंगे सारी चीज़ों में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन के अंदर बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो आपको सिंगल पीस ऑफ मेटल मिलता है Mi A1 में, जो कि डेफिनेटली बेहतर बिल्ड क्वालिटी है कंपेयर टू Redmi Note 5 Pro, जिसके अंदर आपको पीछे की तरफ मेटल तो मिलता है लेकिन नीचे प्लास्टिक का पार्ट और ऊपर प्लास्टिक का पार्ट होता है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में Mi A1 बेहतर दिख रहा है। हालांकि दोनों ही फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों फोन्स में आपको जो है वॉल्यूम रॉकर, पावर एंड स्लीप की मिलता है। दोनों ही फोन में आपको मेटलिक बटन मिलते हैं। टॉप पे आपको IR ब्लास्टर मिलता है, साथ ही साथ सेकेंडरी माइक्रोफोन भी मिल जाता है। इसके अलावा बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम पे दोनों ही फोन में आपको हेडफोन जैक मिलता है। इसी के साथ दोनों में ही आपको मोनो लाउडस्पीकर जो है मिल जाते हैं और माइक्रो USB पोर्ट मिलता है आपको Redmi Note 5 Pro में, जबकि Mi A1 में आपको USB-C पोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से Mi A1 में आप फास्ट चार्जिंग के साथ साथ फास्ट डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि Mi A1 में आपको 5.5 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको 6 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ पे बेजल में फर्क है, यहाँ पे बेजल मोटा मिलता है आपको नीचे की तरफ, Redmi Note 5 Pro में वो छोटा हो गया है। और लेंथ वाइज अगर वर्टिकल हाइट की बात करें तो वर्टिकल हाइट में Redmi Note 5 Pro थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़े डिस्प्ले के साथ आपको ज़्यादा स्क्रीन जो है ऑफर करता है, यानी कि मल्टीमीडिया में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको Android 8 Oreo जो है आ चुका है Mi A1 में। इसमें आपको नॉगट मिल रहा है प्रीलोडेड और Oreo तो बहुत देर से आएगा, तो इसमें लेटेस्ट वर्जन ऑफ Android आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पे मिलेंगे आपको कस्टम फीचर्स, जबकि इस फोन के अंदर आपको बिल्कुल स्टॉक Android बेसिक UI जो है मिलेगा। हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Mi A1 में आपको स्नैपड्रैगन 625 मिलता है, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 636 मिलता है। स्टोरेज के हिसाब से दोनों ही फोन्स के अंदर आपको पर्याप्त स्टोरेज जो है मिल जाती है, 64GB दोनों में मिल जाता है, साथ ही साथ 4GB रैम तक भी मिल जाती है। यहाँ पे तो आपको 6GB रैम भी मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंसर्स इस तरह से हैं कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर आपको दोनों फ़ोन में मिलता है, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर दोनों फ़ोन में नहीं मिलता है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो जायरोस्कोप सेंसर यहाँ पे दोनों फ़ोन्स में है। सेंसर्स के हिसाब से दोनों ही फ़ोन इक्वली गुड हैं, दोनों में ही आपको बढ़िया सेंसर जो है मिल जाते हैं, जो बेसिक एसेंशियल सेंसर्स हैं डेली यूसेज में, दोनों ही फ़ोन में आपको मिलते हैं। कैमरा के हिसाब से देखें तो आप कुछ इस तरह की फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं Mi A1 से। यहाँ पे डुअल कैमरा की मदद से आपको पीछे की तरफ अच्छा बुके इफेक्ट जो है देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ Redmi Note 5 में भी आपको डुअल कैमरा मिलते हैं। इन दोनों फोटोज़ को आप अगर कंपेयर करेंगे तो सेम टाइम पे सिमिलर लाइट कंडीशन में ये दोनों फ़ोटो लिए गए हैं, और उस केस में आप देख सकते हैं कि फ़ोटो के अंदर जो डिटेल्स हैं वो बेहतर तरीके से दिख रही हैं यहाँ पे Redmi Note 5 Pro में, जबकि Mi A1 में यहाँ पे बुके इफेक्ट अच्छा दिख रहा है, साथ ही साथ ब्राइटनेस जो है फ़ोटो की थोड़ी और बेहतर है। यहाँ पे कुछ और कैमरा सैंपल्स आपको दिखा देते हैं इसके अलावा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो आर्टिफिशियल लाइट में ली गई है और ये इंडोर की फ़ोटो है, और इंडोर की फ़ोटो में आपको थोड़ा नॉइज देखने को मिलेगा यहाँ पे Redmi Note 5 की फ़ोटो में, जबकि अगर आप Mi A1 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस अच्छी है, लेकिन कलर्स वगैरह थोड़े और बेहतर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं Redmi Note 5 Pro में। अगर हम क्लोजअप शॉट्स की बात करें तो यहाँ पे Mi A1 से ये क्लोजअप शॉट लिया गया है और कुछ इस तरह की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है Mi A1 पे, जबकि यही शॉट अगर आप देखेंगे Redmi Note 5 Pro पे तो आप देख सकते हैं कि डिटेल्स बेहतर तरीके से कैप्चर हुई हैं Redmi Note 5 Pro पे। अगर आप उसे कंपेयर करेंगे Mi A1 से तो Mi A1 में उतनी अच्छी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर नहीं हुई हैं। अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा सेल्फी की तो फ्रंट कैमरा सेल्फी कुछ इस तरह की है, जो कि आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स के अंदर कुछ इस तरह की फ्रंट कैमरा सेल्फी क्लैरिटी मिलती है आपको Redmi Note 5 Pro में और यहाँ पे Mi A1 में। तो अगर हम देखें ब्यूटिफिकेशन मोड की बात करें तो ब्यूटिफिकेशन मोड आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिल जाता है,
और फोटो भी थोड़ी सी ब्राइट यहाँ पे दिख रही है, बट नेचुरल फोटो यहाँ पे आई है मी A1 में। तो मेरे हिसाब से जिस तरह की क्लैरिटी यहाँ पे मिल रही है, क्लैरिटी इस फोटो में बेहतर है, जबकि ओवरऑल ब्राइटनेस और ब्यूटिफिकेशन मोड के बाद ये फोटो ज़्यादा बेहतर दिख रही है। अब आप दोनों में से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ़ोन आपको बेहतर लग रहा है। दोनों ही फोन्स के बारे में अगर हम बात करें प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से, तो मी A1 के अंदर आपको जो स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिल रहा है, साथ ही साथ लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड का जो मज़ा मिल रहा है, वो आपको रेडमी नोट 5 प्रो में नहीं मिलेगा। प्राइस के हिसाब से देखें तो दोनों ही फोन्स कम्पिटिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं विनर की बात करूँ तो रेडमी नोट 5 प्रो डेफिनेटली विनर है मी A1 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिर्फ अच्छा डिस्प्ले, लेटेस्ट प्रोसेसर, साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको बढ़िया कैमरा भी मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली टेलीफोटो के हिसाब से देखा जाए तो कोई बुरा नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कंपटीशन का विनर इन दोनों फोन में से Redmi Note 5 Pro रहेगा। तो फाइनली आपको वीडियो देख के पता चल चुका है कि दोनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, क्या आप लेंगे मी A1 या फिर लेंगे Redmi Note 5 Pro, और ऐसा क्यों जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं जो कि अभी भी आंसर नहीं हुई है इन दोनों फोन के कंपेरिजन के हिसाब से, तो वो भी आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाकी और कंपैरिजन वीडियो भी जो हम बना रहे हैं वो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। Come on!